Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे 2 बजे दो बड़ों की बैठक, साइफर स्टोरी बेनकाब, एमक्यूएम अदालत में एक और कत्ल, और कौमी स्क्वाड का ऐलान। मुल्क का निगरा वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरा वजीर आजम के मामले पर मुशावरत आज होगी। राजा रियाज का कहना था कि निगरा वजीर आजम के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है, पूरी कोशिश होगी वजीर आजम के साथ निगरा का नाम फाइनल कर लें। पीपल्स पार्टी ने निगरा वजीर आजम के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी नाम सामने नहीं लाए गए। निगरा वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए फरीकैन के पास 3 दिन का वक्त है। निगरा वजीर आजम कौन होगा? सियासी चैमगोइयों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज सपहर मुशावरत होगी। इससे कबल 2 बार ये मुलाकात मुलतवी हो चुकी है। तहम राजा रियाज का कहना है निगरा वज़ीर आज़म के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरा वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी के नाम दिए गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरा वज़ीर आज़म के नाम अभी सामने नहीं लाए गए। सराय के मुताबिक हफीज शेख को निगरा काबीना में वज़ारत खजाना देने की तैयारी भी हो रही है। असेंबली तहलील होने के बाद निगरा वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लियामानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लियामानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरा वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लियामानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरा वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। तो मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात होने जा रही है, मुशावरत होगी। फहद चौधरी से मामला पर बात करते हैं। फहद, ये कहिएगा किस वक्त ये मुलाकात होने जा रही है और कौन कौन से नाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं? हाँ जी, देखिए गुज़िश्ता शब कौमी असेंबली तहलील होने के बाद अब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की डेडलाइन का आगाज़ हो गया है। 3 दिन है इन दोनों के पास मुशावरत के लिए और इत्तेफाक राय के लिए। आज 2 बजे वजीर आजम हाउस में अपोजिशन लीडर राजा रियाज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात में 1 पॉइंट एजेंडा होगा। निगरान वजीर आजम कौन होगा उस पर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की जाएगी। 3 नाम वजीर आजम रखेंगे, 3 नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से रखे जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत होगी और किसी एक नाम पर ठीक है बाकायदा इस पर मुशावरत की जाएगी। अच्छा, ये भी कहिएगा फहद, हमारे साथ ही रहेगा, कौमी असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सदर के दस्तखत के बाद, अब बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बताइएगा फहद क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, कौमी असेंबली रात को जब तहलील की गई सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए समरी पर, तो वजारत पार्लिमानी उमूर ने बाज़ाब्ता तौर पर आज उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असेंबली को तहलील कर दिया है और इसी के साथ ही वफाकी हुकूमत का भी खात्मा हो गया है। जी ठीक है, फहद चौधरी इस खबर के हवाले से भी आगाह कर रही है आपका। कौमी असेंबली जिसकी तहलील का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। एक और अहम खबर दें आपको, कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज, मकामी अदालत महफूज फैसला 2 बजे सुनाएगी। बच्ची सीरियस जख्मी है, किसी ने जख्मी किया, जज की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। जज शायस्ता कुंडी मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील पर बरहम, आप बार बार जुबानी बातें कर रहे हैं, 50,000 क्यों भेजा? जज की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। कि साफ सी बात है, सोमिया आसिम को ब्लैकमेल किया गया। एक जज कैसे ब्लैकमेल हुआ? जज शायस्ता कुंडी की जानिब से कहा गया, हमने 2 दिन पहले इंसाफ क्यों नहीं फराहम किया, बच्ची को किसी स्कूल में दाखिल करवाया था? जज शायस्ता कुंडी की जानिब से इस्तफसार किया गया, घर में बच्ची को क्यों रखा हुआ था? कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है, मकामी अदालत महफूज फैसला
2 बजे सुनाएगी। बच्ची सीरियस जख्मी है, किसने जख्मी किया, जज की जानिब से इस्तफसार किया गया। आगे बढ़े, वज़ीरे आज़म कहते हैं कि हुकूमत में आए तो अंदाजा नहीं था कि हालात इतने संगीन हैं। मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान ये 16 माह थे। मैंने इतना बड़ा इम्तिहान अपने 38 साल करियर में नहीं देखा। विफाकी काबीना से आखिरी खिताब में कहा कि 9 मई रहती दुनिया तक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये सानहा रियासत और पाक आर्मी के खिलाफ साजिश था। ने ये इंतजार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते उले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थी। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो की रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी। IMF का जो मुआहदा हुआ उसके लिए बेपना मुश्किलात भी पेश आई और बेपना आपकी एफर्ट्स भी हुई। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो दूसरे चैलेंजेस आए वो इससे कम नहीं थे इंटेंसिटी में। महंगाई का एक तूफान था जो अभी तक थमने का नाम नहीं लेता। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार का दावा है कि मुरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। स्टोरी में कोई नई बात नहीं। चेयरमैन PTI का बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार इंटरसेप्ट के मुताबिक साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं और किसी जराए ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार ने दावा किया कि साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन की स्टोरी से मिलती जुलती है। इंटरसेप्ट स्टोरी में कोई नई बात नहीं, ये चेयरमैन PTI का बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। अखबार का दावा है मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान इनका ख्याल था, धमकी नहीं। जबकि कौमी सलामती कमेटी के ऐलानिये में भी यही कहा गया था कि धमकी नहीं मिली न कोई साजिश हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम कर चुके कि साइफर की कॉपी इनके पास थी और अब सामने आ चुका कि साइफर की वो कॉपी और मालूमात कहां पर हैं। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुजरिमों को कानून के कचहरे में खड़ा किया जाना चाहिए ताकि कौमी वक़ार को मजीद नुकसान न पहुँचे। मज़मूम मकासद के लिए सफारती मालूमात अफशा करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI की हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाप्त नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बायस रुख्सत पर हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की और फारूक की अदालत के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब कर रखा था। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का हक के दिफा खत्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मामला काबीना भिजवाया था, क्या बना? सरकारी वकील ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं आया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर रखी थी। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंप्यूटर रिपेयरिंग और हार्डवेयर के लिए मुख्तलिफ अजला को 5-5 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं, तहम खरीदारी का ना होना सवालिया निशान बन गया। किसी अजला में टोनर्स नहीं खरीदे गए। जराए के मुताबिक 5 रीजनल और 6 जिलाई दफातर को रकम जारी की गई। टोनर्स के लिए रकम के लिहाज से जिलाई दफातर में कंप्यूटर की तादाद भी इंतहाई कम है। सिंध की निगरानी के लिए भी हतमी फैसला नहीं हो सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम तजवीज़ कर दिए। MQM और GDA ने शेब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम पेश कर दिया। MQM और GDA आज भी सर जोड़कर बैठेंगे। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत की जानिब से 140 से ज्यादा महकमों में नई भर्तियों का मामला है। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों से रोक दिया है। अदालत ने मुलाजमतों से मुतालिक जारी मुख्तलिफ महकमों के इश्तहारात को भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत की मुद्दत 11 अगस्त 2023 को ख़त्म हो रही है। MQM पाकिस्तान
सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियाँ शुरू कर दी हैं। दरख्वास्त गुजार की जानब से मौकफ अपनाते हुए कहा गया कि इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमतें देना इंतखाबी धांधली के जुमरे में आता है। बुलेटिन जारी है लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, इसके बाद देखिए लेन देन पर सफाकाना कत्ल और कारोबारी दुनिया की सूरत हाल खबर शामिल करेंगे। लाहौर से कहाना सुए आसिल में घरेलू मुलाजमा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। जहां बहा घरेलू मुलाजमा की शिनाख्त अक्सा के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से यह बताया गया है कि 22 साल अक्सा की लाश पंखे से लटकी रही। मुलाजमा की खुदकुशी की इत्तला डॉक्टर अली रजा नामी शख्स ने दी। खबर है कराची नागिन चौरंगी के करीब रेंट एक कार के दफ्तर में तशद्दुद से एक शख्स के जान बहक होने का मामला है। वाकई में मुलव्वस दो मुलजिमान अब तक गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। पुलिस का ये बताना है गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर शोरूम से नौजवान की लाश भी रात गए बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमान में अली और अम्मार शामिल हैं। इसी करते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं काशान सिद्दीकी। काशान बताइएगा इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। हाँ जी बिल्कुल, देखें पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात इस केस के हवाले से जारी है। जबकि नागन चुरंगी में रात गए जो है तशद्दुद का मामला जो है पुलिस के सामने आया था। पुलिस हुकाम ने दो मुलजिमान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त अली और अम्मार के नाम से की गई है। जबकि पुलिस हुकाम का मताना है कि गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर शोरूम से नौजवान की लाश भी रात गए बरामद कर ली गई थी। मुतासी आदिल की लाश को जब्त की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकल कर दिया गया है। जबकि पुलिस का मताना है कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके आने के बाद ही जो है मजीद लाश की जांच पड़ताल की जाएगी। जबकि पुलिस ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान से तफ्तीश की गई है और मुलजिमान की जानिब से बताया गया कि 15 से 16 लाख रुपए के लेन देन का मामला था जो कि मुतफी आदिल उनको नहीं दे रहे थे। इस मामले पर जो है उनको तशद्दुद का उनको निशाना बनाया गया। 8 अगस्त की रात को जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई। जबकि वीडियो वायरल होते होते 9 अगस्त गुजर गई थी। पुलिस के सामने जब ये वीडियो आई उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिस्मिल्ला होटल पर छापा मारा जिसमें हिरासत है। शुक्रिया आपका काशा। खबर शामिल करेंगे लैया से जहां खौफनाक हादसा हुआ है। बस और मिनी ट्रक में तसादम से एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बस को हादसा गढ़ महाराजा से आते हुए पेश आया। लैया में हौलनाक हादसा, हस्ता बस्ता घराना उजड़ गया। भक्कर से मियां चुन्नू जाने वाली मुसाफिर वैन मिनी ट्रक से जा टकराई। एक ही खानदान के 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 6 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मुसाफिर वैन की टायर रॉड खुलने के बाइस पेश आया। सानिहा हजारा एक्सप्रेस के जिम्मेदारों का ताहाल तायुन नहीं हो सका। हादसे के जख्मियों का कराची और नवाबशाह के अस्पतालों में इलाज जारी है। कई अफराद उम्र भर के लिए माजूर हो गए हैं। हादसे के बाद ट्रेन की आमदोरफ्त मामूल पर नहीं आ सकी। हजारों मुसाफिर स्टेशन पर रुलने लगे। सानहे हजारा एक्सप्रेस में दर्जनों घरों के चिराग बुझ गए। मुतादिर अफराद जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके। जख्मियों का कराची और नवाबशाह के अस्पतालों में इलाज जारी है। सानहे हजारा एक्सप्रेस के जिम्मेदारों का भी ताहाल तायुन नहीं हो सका। मामला रात गई बात गई की मिसाल बन गया। हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर नहीं आ सकी। हजारों मुसाफिर स्टेशन पर दुलने लगे। कराची के कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची आने वाली मुतादिर ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर है। फरीद एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, तेजगाम, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, मिल्लत, शालीमार, कराची एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें तवील ताखीर का शिकार हैं। नवाबशाह में मुतासर रेलवे ट्रैक को बहाल तो किया जा चुका है। ताहम हुक्काम के मुताबिक इस ट्रैक से ट्रेनों को निहायत स्लो स्पीड से गुजारा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से बाहर जिहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा के सख्त अहकामात। अफगान सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया कि कोई भी अफगान शहरी और अबूरी हुकूमत का रुकन जिहाद और अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पर, जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे। अफगानिस्तान से बाहर जिहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा के सख्त अहकाम। मंगूपीर कराची में पाक आर्मी का गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में 937 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। ECG, शुगर,
ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। मेडिकल टीम में मेडिकल ऑफिसर्स, जनरल फिजिशियंस के साथ साथ मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट भी मौजूद थे। शहरियों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अहम खबर शामिल करेंगे, इंतहा पसंद बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत सामने आ गया। भारतीय रियासत हरियाणा में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। हमने पिछले दिनों देखा कि भारतीय रियासत हरियाणा के जिला नूह के अंदर खास तौर पर फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम फसाद का रंग दिया गया और उसमें खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। और इसके बाद अब जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इस फसादात के बाद 5 रोज के अंदर पूरी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद यही था कि मुआशी तौर पर मुसलमानों की कमर तोड़ी जाए। और इस दौरान 5 रोज के दौरान 1200 से ज्यादा इमारतों और जो ये है तकरीबन 11 शहरों या कस्बों के अंदर ये इमारतें थी, जायदादें थी और 72 एकड़ अराजी जो है उसके ऊपर मुसलमानों की मलकियत थी, जायदादें जो है मिसमार की गई हैं। और ये इतनी संजीदा नौयत की बात है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले लिया है और सवाल किया है रियासती हुकूमत से कि क्या इस मुहिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना था और क्या रियासती हुकूमत जो है अपनी सरपरस्ती में एक एथनिक क्लिनजिंग की मुहिम जो है वो चला रही है। तो ये रिपोर्ट जो है हिंदुस्तान टाइम्स की है, जिसने अपने फील्ड रिपोर्टर्स के हवाले से तस्दीक की है कि इन 5 रोज के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में, कस्बों में, शहरों में जहाँ कहीं भी जायदादें, इमारतें, मकान, दुकानें, लाहौर हाईकोर्ट में उर्दू जबान के नफाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, ये हुक्म सामने आया है। फैसले पर हम रिपोर्ट 6 माह में पेश करें, तहरीरी फैसले में ये कहा गया है। आर्टिकल 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर लागू होता है। अदालत ने तमाम कवानीन का 3 माह में उर्दू तर्जमा करने का हुक्म दिया। वफाकी सूबाई हुकूमतें रस्म-उल-ख़त के मामले पर तावुन करें, तहरीरी फैसले में ये लिखा गया है। मजीद कहा गया कि हुकूमत अपनी दी गई टाइम लाइन की जुज़ियात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आगे बढ़ेंगे, भारत के वर्ल्ड कप के लिए नाकस इंतजाम का पोल खुल गया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई, ड्रेसिंग रूम में किट्स और दीगर सामान जल गया। ईडन गार्डन स्टेडियम में सेमीफाइनल समेत 5 मैच शेड्यूल हैं। ICC हुकाम ने चंद रोज कबल स्टेडियम का दौरा भी किया था। भारत के वर्ल्ड कप के लिए नाकस पोल खुल गया, कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई है। मनाजिर भी आप बोलियों की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रेसिंग रूम में किट्स और दीगर सामान जल गया। ईडन गार्डन स्टेडियम में सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। ICC हुकाम ने चंद रोज कबल स्टेडियम का दौरा भी किया था। भारत के वर्ल्ड कप के लिए नाकस इंतजाम का पोल खुल गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के मनाजिर आप इस वक्त बोलियों की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रेसिंग रूम में किट्स और दीगर सामान जल गया। ईडन गार्डन स्टेडियम में सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर एजाज वसीम से। एजाज, क्या तफसीलात हैं? जी, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत मेजबान है, लेकिन मेजबानी अभी भारत ने की नहीं है। उससे पहले बद इंतजामी के बहुत बड़े अब वाकत सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप ये टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम के अंदर वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान आग लग गई है और ये प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के अंदर आग लगी है, जहां पर मेहमान टीमों ने वर्ल्ड कप के आके 5 मैचेस खेले हैं सेमीफाइनल समेत और पाकिस्तान के यहां पर 2 मैचेस शेड्यूल हैं, पाकिस्तान ने यहां खेलना है। लेकिन उधर पाकिस्तान एशियन चैंपियन हॉकी की दौड़ से बाहर हो गया। सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब चकनाचूर। चेन्नई में होने वाले आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी। भारतीय टीम मैच ही भारत ने 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। पाकिस्तान एशियन चैंपियनशिप में पहली बार सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन है। पाकिस्तान ने इब्तदाई 5 एडिशन में हर बार फाइनल खेला, जबकि 2021 में इसने सेमीफाइनल खेला था। 2023 की सेमीफाइनल लाइनअप पाकिस्तान के बगैर रहे। आजादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोई कौमी परचम खरीद रहा है तो कोई घरों और गली मोहल्लों को सजाने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं कराची से बोलियों के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में बिल चंद रोज बाकी हैं, लेकिन अगर बात करें तो जश्न आज़ादी जो है वो जोश व खरोश से मनाने के लिए हर पाकिस्तानी जो है उसके अंदर एक खुसूसी एक जज्बा दिखाई देता है। तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है खरीदारी करने आए जश्न आज़ादी की, उनसे जानते हैं वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, जश्न आज़ादी किस तरह मनाएंगे। देखिए हर साल की तरह इस साल भी जोश वाला बहुत ही ज़्यादा है लोगों में, तो ये है कि हम बच्चों के लिए बहुत ही दिल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही खुशी के साथ तैयारी, ड्रेसेस वगैरह ले रहे हैं बच्चों के लिए, कुछ हमने ग्लासेस बलून्स वगैरह से डेकोरेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही, मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।